नवनीत निशान। आप सिने प्रेमियों में आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जिन्हें इनका नाम आज से पहले शायद ही पता हो, लेकिन इनके चेहरे को आप जरूर अच्छी तरह से जानते पहचानते होंगे। जाने कितनी ही फिल्मों में आपने इन्हें सपोर्टिंग रोल्स और वैम्प के किरदारों को बड़े ही दमदार अंदाज में निभाते हुए देखा होगा। यूं तो फिल्मों में नवनीत के रोल्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते थे, लेकिन जिस रोल में भी ये नजर आती थी उस रोल को इतने सशक्त तरीके से निभाती थी कि दर्शकों के जहन पर रोल अपनी छाप छोड़ ही देता था। किस्सा टीवी आज आपको एक्ट्रेस नवनीत निशान की जिंदगी की कहानी बताएगा, कैसे नवनीत निशान हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनी और अब नवनीत निशान कहाँ है। इस वीडियो के जरिए यही आज हम और आप जानेंगे। 25 अक्टूबर सन 1965 को नवनीत का जन्म पंजाब के पटियाला में रहने वाले एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पुरखे भारत के बंटवारे के वक्त लाहौर छोड़ पटियाला में आकर बसे थे। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। नवनीत जब एक छोटी बच्ची थी तब ही इन पर फिल्मों का बड़ा गहरा असर होने लगा था। छोटी उम्र से ही ये फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के ख्वाब देखने लगी थी। हालांकि इनका परिवार फिल्म और फिल्मों में काम करने वाले लोगों के सख्त खिलाफ था। परिवार का रुख देखते हुए नवनीत ने कभी उनके सामने ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि वो भी फिल्मों में काम करना चाहती हैं। ये चुपचाप अपनी पढ़ाई करती जा रही थी। इन्होंने मान लिया था कि एक्ट्रेस बनने का इनका विचार एक हसीन ख्वाब था जो आंख खुलते ही खत्म हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वो हर हाल में हासिल होता है। नवनीत की किस्मत में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना लिखा था और इसीलिए किस्मत ने ऐसी चाल चली कि नवनीत को खुद पता नहीं चला कि कब उनके कदम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लेकर चल दिए हैं। हुआ कुछ यूं था कि नवनीत अक्सर पड़ोस में रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर जाती रहती थी। नवनीत और उनकी दोस्त अक्सर साथ मिलकर फिल्मी कलाकारों की नकल उतारा करते थे। नवनीत तो कई दफ़ा शराबियों की नकल भी उतारती थी। इत्तफाक से नवनीत की उस पड़ोसी दोस्त के रिश्तेदार स्वर्ण योगराज भी थे, जो उन दिनों एक नामी फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे और जिन्होंने कुछ बड़ी हिंदी और पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस भी की थी। एक दिन नवनीत अपनी दोस्त के साथ पगड़ी बांधकर एक शराबी सरदार जी की नकल उतार रही थी। तभी स्वर्ण योगराज ने उन्हें देख लिया। नवनीत की वो शराबी सरदार जी वाली एक्टिंग स्वर्ण योगराज को बड़ी पसंद आई थी। उन्होंने अपने रिश्तेदार और नवनीत की पड़ोसन दोस्त से नवनीत के बारे में पूछा। आखिरकार नवनीत और स्वर्ण की मुलाकात हुई और उन्होंने नवनीत को अपनी फिल्म वारिस में कास्ट करने का ऑफर दिया। शुरू में स्वर्ण वारिस के उस रोल के लिए नवनीत को कास्ट करना चाहते थे जिसे अमृता सिंह ने निभाया था, पर चूंकि उन दिनों नवनीत की कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी तो उनके माता पिता ने साफ इनकार कर दिया कि पढ़ाई खत्म किए बिना नवनीत कोई और काम बिल्कुल भी नहीं करेंगी। वैसे भी नवनीत लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर रही थी और वो पढ़ाई में बेहद शानदार थी। वो अपने कॉलेज की टॉपर थी, इसीलिए उनके पिता चाहते थे कि वो IAS की तैयारी करे। नवनीत के माता पिता के इनकार के बाद स्वर्ण योगराज को बड़ी निराशा हुई। इत्तफाक से इसी दौरान गर्मियों की छुट्टियां आ गई और कॉलेज कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। ये बात जब स्वर्ण योगराज को पता चली तो वो नवनीत के पिता के पास गए और बोले कि उनकी फिल्म में एक ऐसा रोल है जिसकी शूटिंग 10 या 12 दिन में खत्म हो जाएगी, आप कुछ दिनों के लिए नवनीत को उनकी फिल्म में काम करने की इजाज़त दे दें। चूंकि नवनीत के पिता भी जानते थे कि उनकी बेटी भी इस फिल्म में काम करना चाहती है तो उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी और इस तरह नवनीत निशान ने वारिस फिल्म में छन्नो का छोटा सा रोल निभाया। हालांकि उस वक्त तक नवनीत को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उनके फिल्मी करियर का आगाज हो चुका है। उन्हें लगा था कि चूंकि कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं इसलिए वो इस फिल्म में काम कर रही हैं। छुट्टियों के बाद फिर से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और एक बार फिर से वो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगी। पर जब शूटिंग के दौरान नवनीत ने कई बड़े फिल्म स्टार्स को इतने करीब से देखा और फिल्म कल्चर का तजुर्बा लिया तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो एक्ट्रेस ही बनेंगी। उन्होंने एक्टिंग और थिएटर की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ स्थित
पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का इरादा अपने घर वालों को बताया। घर वाले नहीं माने तो उन्होंने कहा कि केवल 2 महीने के लिए उन्हें इस कोर्स को परखने दीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो वो खुद ही वापस घर आ जाएंगी। घर वालों ने नवनीत की ये बात मान ली। इस तरह पहली बार नवनीत निशान अपने घर वालों से दूर अकेली चंडीगढ़ शहर में रहने पहुंची थी। उन दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में दुनिया के कई देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई करने आते थे। बकौल नवनीत ऐसा लगता था कि ये चंडीगढ़ की नहीं बल्कि कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। 2 महीने बाद जब नवनीत के पिता उन्हें घर वापस लेने पहुंचे तो नवनीत ने उनसे साफ कह दिया कि वो थिएटर की अपनी पढ़ाई को पूरा किए बिना घर नहीं लौटने वाली हैं। बेटी की आंखों में एक्टिंग के लिए इतना पैशन देखने के बाद पिता ने उसे सपोर्ट करने का फैसला किया। नवनीत को पता भी नहीं था कि उनके पिता उनके लिए NHD दिल्ली और FTI पुणे के प्रोस्पेक्टस ला रहे हैं। जब पिता ने नवनीत को बताया कि अगर एक्टर ही बनना चाहती हो तो इनमें से किसी एक कॉलेज में पढ़ाई करो, तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और इस तरह आखिरकार नवनीत ने NHD दिल्ली में दाखिला ले लिया। NHD से अपना कोर्स पूरा करने के बाद नवनीत निशान मुंबई आ गई। उनके साथ उनकी बहन और माँ भी थे। नवनीत चाहती थी कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसा बने, इसीलिए जब वो NHD से निकली तो उन्होंने श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे डायरेक्टर्स से मिलना शुरू किया, लेकिन आर्ट फिल्मों का हिस्सा बनना इनके लिए एक सपना ही बनकर रह गया। हालांकि गोविंद निहलानी ने इन्हें अपनी फिल्म दृष्टि में गीता का एक छोटा सा रोल जरूर दिया था, लेकिन इससे इन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ था। आखिरकार मुंबई में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इन्हें कमर्शियल सिनेमा का रुख करना ही पड़ा। जान तेरे नाम फिल्म में इन्होंने अर्चना का रोल निभाया। उस रोल से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ठीक ठाक पहचान मिल गई थी। फिल्मों के साथ साथ नवनीत ने कुछ TV शोज में भी काम करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरू में ये TV पर काम नहीं करना चाहती थी, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही काम करना चाहती थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि TV पर काम करने से इन्हें भविष्य में फिल्मों में काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर चूंकि मुंबई में अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए पैसे की इन्हें ज़रूरत थी, तो इन्होंने ZTV पर प्रसारित हुए शो तारा में लीड रोल स्वीकार कर लिया और इससे इन्हें बड़ा ही फायदा हुआ। महिला प्रधान ये शो उस जमाने में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। शुरू में इस शो के केवल 52 एपिसोड्स टेलीकास्ट होने थे, लेकिन शो की लोकप्रियता देखते हुए इसके मेकर्स ने इसके पूरे 500 एपिसोड्स एयर किए। वहीं फिल्मों की बात करें तो आमिर खान की फिल्म हम है राही प्यार के से इनके फिल्मी करियर ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। सपोर्टिंग रोल के लिए ही सही, लेकिन बड़े बैनर्स और बड़े बजट्स की फिल्मों में इन्हें काम करने के ऑफर्स आने लगे थे। राजा हिंदुस्तानी और मेला में इनकी कॉमेडी को हर किसी ने पसंद किया। वहीं कई फिल्मों में इन्होंने वैम्प का रोल बड़े ही दमदार अंदाज में निभाया। हिंदी के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी इन्होंने खूब काम किया था। साथ ही TV पर भी इन्होंने तारा के बाद कुछ और दमदार शोज में काम किया था, जैसे कि हिटलर दीदी, शास्त्री सिस्टर्स और दिल देके देखो। नवनीत निशान की निजी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं। हमें केवल इतना ही पता चल पाया है कि इन्होंने एक NRI से शादी की थी और उसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने पति के साथ विदेश चली गई थी। हालांकि पति के साथ इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बनी और शादी के 10 साल बाद तलाक लेकर ये अपने पति से अलग हो गई और भारत वापस लौट आई। भारत लौटने के बाद एक बार फिर से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। मीटू मूवमेंट के दौरान तारा शो में इनके को एक्टर रहे आलोक नाथ काफ़ी चर्चाओं में रहे थे। तारा शो की राइटर ने आलोक नाथ पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। इसी दौरान नवनीत निशान का एक पुराना इंटरव्यू वायरल होने लगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि तारा का लीड एक्टर शराबी है। तारा में लीड एक्टर आलोक नाथ ही थे। उस इंटरव्यू में नवनीत ने कहा था कि आलोक नाथ ने उन्हें ड्रग यूज़र कहा था। इस वजह से उन्होंने आलोक नाथ पर 1 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया था। शो के मेकर्स ने आलोक को शो से बाहर करने का फैसला कर लिया था। वो बस आलोक के साथ एक आखिरी सीन शूट होने का इंतज़ार कर रहे थे। इस सब के बारे में आलोक को कुछ नहीं पता था।
लेकिन जैसे ही आलोक नाथ को इसकी जानकारी मिली कि शो के मेकर्स उन्हें शो से निकालने वाले हैं, तो वो सेट पर शराब पीकर पहुंचे। शराब के नशे में उन्होंने नवनीत निशान के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। आलोक नाथ की बदतमीजी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि नवनीत निशान ने उन्हें एक थप्पड़ तक जड़ दिया था। ये सारी बातें विनीता नंदा ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कही थी। नवनीत निशान अब एक्टिंग की दुनिया में काफ़ी कम एक्टिव हैं। पिछले 2 साल से इनकी कोई भी फिल्म नहीं आई है, ना ही ये किसी टीवी शो में नज़र आई हैं। किस्सा टीवी उम्मीद करता है कि नवनीत निशान को जल्द से जल्द कोई बढ़िया किरदार मिले, ताकि ये एक बार फिर से अपने फैंस का मनोरंजन कर सकें। जय हिंद।